सनशाइन अपनी माँ के साथ मीटिंग में नहीं गया, वो वेन्यानान का पियानो प्ले देखने आया था। फिर वेन्यानान का शो जब खत्म हुआ तब उसके बाद सब लोग उसे फ्लावर देने जा रहे थे। गुयानशेन भी उसके लिए सनफ्लावर्स लाया था, लेकिन वो एक लड़की को कहता है कि तुम इसे वी को दे आना। वो लड़की कहती है आप खुद ही क्यों उसे नहीं देने जा रहे हैं। गुयानशेन कहता है मैं वी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, अब जबकि हम दोनों वी के फैन है तो इसका मतलब हम फैमिली है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। फिर गुयानशेन उसे थैंक यू कहकर जाने लगा। वो लड़की वेन्यानान को वो फ्लावर देती है और कहती है कि मिस्टर वी आपके किसी फैन ने मुझे ये दिया है कि मैं आपको इसे दे दूं, और उसने दिखाया कि वो वहाँ पे है। तो वेन्यानान ने पीछे से ही गुयानशेन को देख लिया और उसे पता चल गया कि ये सनफ्लावर उसने ही दिए है। तांगशु अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में है तांग लुनशुआन के साथ, और वो बाहर आया है फोन पे बात करने के लिए। उसे पता चला है कि कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उसे जल्दी ही वहाँ पे आना होगा। तांगशु परेशान था, लेकिन वो अपने भाई को ये नहीं बताना चाहता था। फिर वो अंदर जाता है और नॉर्मली ही बिहेव करता हुआ कहता है कि मुझे कंपनी में वापस जाना पड़ेगा। तांग लुनशुआन पूछता है तुम इतना जल्दी में क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? लेकिन तांगशु कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अपनी अच्छे से केयर करना। जो युआन फेंग भी उसे कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई अब बड़ा हो गया है, वो सब संभाल लेगा, तुम हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करते रहो, तुम्हें लगता है कि ये तांगशु के लिए अच्छा है? तुम यहाँ पे आराम करो, मैं उसे बाहर छोड़ के आता हूँ। लेकिन फिर भी तांग लुनशुआन कहता है कि खुद ही अंदर सब कुछ मत रखना, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊंगा। तांगशु कहता है हाँ ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुम मेरी बात थोड़ी मानने वाले हो, अब मैं चलता हूँ नहीं तो मैं फ्लाइट मिस कर दूंगा। फिर जो युआन फेंग उसे बाहर छोड़ने चला गया। बाहर चल के तांगशु उसे कहता है कि मेरे भाई की अच्छे से केयर करना। जो युआन फेंग पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? तांगशु कहता है ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो युआन फेंग उसे रोकता हुआ कहता है कि क्या तुम अब भी मुझ पर गुस्सा हो?